सैटरडे सुबह और बैठी आंटी का किचन शुरू। क्या हो रहा है बैठी आंटी? आज हम बना रहे हैं, आज हम कुछ यानी ऐसे ही स्नैक्स के टाइप बना रहे हैं खाना। रगरा पैटिस, बॉम्बे स्ट्रीट फूड। तो रगरा मैंने बॉईल करके रखा है। कहाँ आपका रगरा? रगरा बॉईल है। छे रगरा क्या होता है? इसको ड्राई पीस, ड्राई वाइट पीस, ग्रीन भी आता है, ड्राई वाइट पीस पूरा रात भिगाया। अभी सुबह मैंने बॉईल किया है, थोड़ा नमक डाल के। आपने काफ़ी बॉईल किया उसको? काफ़ी बॉईल किया, क्योंकि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाना चाहिए, नहीं तो ये ड्राई पीस से तो पेट में दर्द होता ही है। पर अभी उसको मसाला में बनाएंगे कम तेल में, क्योंकि पैटिस डालना है। बेटे आंटी का कम तेल, हाँ, इट इज़ ओनली 1/2 टेबल स्पून। लिटल जीरा, आज टू मच मसाला नहीं चाहिए, क्योंकि सब चीज़ में मसाला होएगा, पैटिस में, इसमें, उसमें। मैं थोड़ा ग्रीन चिली भी डाल रही हूँ और जिंजर, जो मुझे लगता है ज़रूरी है पीस में। हिंग पाउडर, हिंग बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूरी है बहुत। ओके, अभी गैस बिल्कुल स्लो कर दूंगी, पहले ड्राई मसाला डालूंगी बिल्कुल स्लो, क्योंकि सब भुन चुका है। धनिया पाउडर, क्योंकि और कुछ मसाला नहीं पड़ रहा तो ड्राई मसाला ज़्यादा पड़ेगा। जीरा पाउडर, रेड चिल्ली थोड़ा कम मेरी बेटी के करके, येलो पाउडर। नमक मैंने डाल चुकी हूँ बॉईल में, फिर टेस्ट करके देखूँगी तभी और नमक करूँगी। ये सब मिक्स हो गया ड्राई मसाला, अभी हम डाल रहे हैं ड्राई पीस बॉईल। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये वैसे भी रख के ज़्यादा वो हो जाता है, ठीक हो जाता है। हाँ, तो मैं थोड़ा पानी भी मिक्स कर लूँगी। तो बचपन में लिंकिंग रोड जाते थे, हाँ, वहाँ पे खाते थे बॉम्बे स्ट्रीट फूड, वही ना बॉम्बे स्ट्रीट फूड, बॉम्बे का बहुत ही मशरूम खाना और मशहूर खाना। यार आप बॉम्बे में देखिए तो रगड़े ड्राई होते हैं, वो पानी डालते रहते हैं बनाते रहते हैं। हमने कम मसाला डाला है और इसमें ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर से चटनियाँ ये वो पड़ेगी। तो अभी एक्चुअली रेडी है ये, मैं उतारूँगी, थोड़ा सा मैं ऐसे ही चख लेती हूँ जो रियल ज़माने का स्टाइल। थोड़ा सॉल्ट कम है, क्योंकि बॉईल के टाइम डर डर के मैंने थोड़ा डाला था। रगरे को थोड़ा गीला रखना है, तो बस ये बस है, हो गया सब मसाला मिक्स। ग्रीन कोरिएंडर थोड़ा ऊपर से डाल देती हूँ, हाल फिलहाल इसको उतारते हैं। इसको उतार दिया, अभी पैटिस डीप फ्राई नहीं करेंगे। अभी देखिए मैंने पैटिस आलू मैश कर लिया है, आलू बॉईल तो किसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और इसमें आपको ज़्यादा ब्रेड क्रम्स नहीं चाहिए, क्योंकि तवे पे होएगा बेक। फिर भी मैंने एक बड़ा स्लाइस का क्रम्स ले लिया है। इसमें भी बॉईल में नमक डाला था, थोड़ा आलू चख लो, तो सॉल्ट थोड़ा तो चाहिए ही। आप देख रहे हैं मैंने थोड़ा ग्रीन चिल्ली भी डाला है, एक थोड़ा ग्रीन कोरिएंडर भी डाल देती हूँ। इसमें एक्चुअली प्लेन भी बनाओ तो चलता है, क्योंकि दिखेगा नहीं, आप वैसे भी चटनी वटनी डालोगे ऊपर से। जीरा पाउडर मुझे पसंद है हर एक चीज़ में, थोड़ा रेड चिल्ली पाउडर,
अभी सब इसको मिक्स कर लिया। आज बहुत चीज बनी है ऐसे सैटरडे। ये है मेंदू वड़ा हाफ फ्राई मेरे बच्चे के लिए। इसका आटा कभी हम आपको फिर दिखाएंगे। सुने इडली डोसा और वड़ा भी घर पे बनाते हैं। सैटरडे को हम थोड़ा चटपटाई बनाते हैं क्यों आप इसको इसमें ये पैटिस में ज़्यादा बाइंडिंग की ज़रूरत नहीं है। शैलो फ्राई होएगा। Oh, it's too early in the morning to eat, so we will just show you two patties. That long tray, take out white. Sorry? Long tray, tray white. Long tray. White, white. So we will just show you two pieces of it. Abhi barabar hai. Shallow fry ka matlab nahi ki tel dalo hi nahi. Tel dalna hai phir bhi. Wo meri beti ki jaisa mat socho. Mummy, shallow fry matlab tel nahi padega. Nahi, padega. अगर टिक्की टेस्टी चाहिए तो इसमें डीप फ्राई करना है इसमें यूज़ राइट नहीं डीप फ्राई मैं नहीं कर रही हूँ इसमें ही अच्छा बन जाएगा। और ये आप जो नॉर्मल टिक्की बनाते हो वैसे मत बनाना इसको थोड़ा मोटा बनाना है। मैं फिर भी कम लिया मैंने आटा दिस आई कैन नॉट डू फ्लैट करना आई डू प्लेन प्लेन वन टेक आउट फ्लैट करना है ना उसको नहीं पूरा फ्लैट मत करो इसको राउंड बॉल के जैसा रखो इसको राउंड रखो फ्लैट मत करो। अभी मैं दो ही बनाती हूँ बाद में हम बनाएंगे। मुझे एक भी दिखाइए चलेगा। आपको जितना भी चाहिए आप बड़ा बना सकते हो। ओके ज़्यादा फ्लैट करने की ज़रूरत नहीं है। ये अगरा पैटिस का पैटिस ऐसा मोटा होता है। इंतजार इसका फ्राई है फ्राई करें फिर इसको बनाएंगे पूरा बराबर से। मेन टाइम लेट्स ट्राई टू ग्लांस व्हाट्स हियर। ये तो टैमरिंड चटनी लग रही है टैमरिंड पानी लग रहा है ग्रीन चटनी होता कर ग्रीन चटनी ये सब उस वक्त बनाने की जरूरत नहीं। यू कैन कीप इट ऑल रेडी सब मैंने रेडी करके रखा है। ग्रीन चटनी Now bread, whatever they will like, they will bring. Brown bread or this thing, hot dog bread or plain bread also you can eat. एक्चुअली बॉम्बे में ब्रेड नहीं खाते हैं वो ऐसे ही चटपटा पर हमने लंच के लिए किया है सो वी नीड ब्रेड। इवनिंग स्नैक्स में ब्रेड ब्रेड नहीं चाहिए अब ऐसे ही टेस्टी खाओ। इसको आप काफ़ी ब्राउन करेंगे वैसे नहीं करते हैं पर ब्राउन करो तो टेस्ट होएगा ना नहीं तो बॉयल आलू खाओ उनका तो तवे पे रहता ही है स्ट्रीट वालों का गर्म होते रहता है। देखो इसमें ब्रेड ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डीप फ्राई नहीं है ब्रेड होने का सवाल नहीं है। देखो अभी हो रहा है ब्राउन तो ऐसा चाहिए ब्राउन भले थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं पर ऐसा चाहिए थोड़ा मोटा चाहिए। लोग ज़्यादा ब्राउन नहीं भी करते हैं पर हमको अच्छा लगता है ज़्यादा थोड़ा करो तो नहीं तो लगेगा हम पता है तो बॉइल खा रहे हैं। हमारी टिक्की हो गई ऑलमोस्ट रेडी रेडी फॉर द प्लेटिंग। प्लेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसमें सब ज़्यादा इंग्रेडिएंट जाते हैं सब उसमें ही है। गैस बंद You can take a plate, whatever you like. Let us be a plate tiki.
Because again, it's too early in the morning to eat, so we're not making a lot. That is green chutney. Sorry, chutney. आप नहीं डालना चाहे तो नहीं डाल सकते. मैं बिना chutney के खाती हूँ. That is sweet chutney, sweet tamarind chutney. और इसमें आपका choice है. खाओ नहीं खाओ. हाँ, मैं नहीं खाती chutney. जो चाट है बाजार का वो मैं आपको दिखा रही हूँ. और onion, जिसको पसंद हो. ज़्यादा भी डाल सकते हो. मैंने बहुत सारा काट के रखा है. मैं खाली आपको दिखाना चाह रही हूँ. ओके, टोमेटो. और अगर किसको सेव डालना है सेव भी डाल सकते हो. ये हो गया हमारा रगरा पैटिस तैयार. राइट, एंजॉय.